नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं अराइव 24 न्यूज़। अराइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ईस्ट फार्म हाउस मैसेच्यूसेट्स ऑलरेडी कॉप्टन रोड आइलैंड में 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसमें दो बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अमेरिका के पूर्वी तट पर जारी तूफान की चपेट में आने से दो बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को वर्जीनिया स्थित घर पर पेड़ गिरने के कारण नींद में सो रहे 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। इसी तूफान में न्यूयॉर्क के पुतनाम काउंटी में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जिसके कारण 11 वर्षीय लड़के की जान चली गई। इसके अलावा बाल्टीमोर में 77 वर्षीय महिला, रोड आइलैंड में 70 वर्षीय शख्स व वर्जीनिया में 44 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। ये सभी हादसे तूफान के कारण पेड़ गिरने के कारण हुए। ईस्ट फार्म हाउस मैसेच्यूसेट्स और लिटिल कॉप्टन रोड आइलैंड में 134 प्रति किलो घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार शनिवार को भी इसी तरह तूफान के जारी रहने की बात कही गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे आईटी इन्फो न्यूज़।